बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-L। थे उसके खेत में कुछ हरे पिग्स। एक मिनट, ये ठीक नहीं है, पिग्स होते हैं गुलाबी। ये बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-L। थी उसके खेत में कुछ बैंगनी मुर्गियाँ। ये तो ठीक नहीं है, मैंगो, इन्हें ठीक करो। नारंगी। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ नीली गाय। नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। मैंगो, सही रंग भरो। भूरा, अब ठीक है। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स का था एक खेत, E-I-E-I-O। थी उसके खेत में कुछ लाल भेड़े। मैंगो, चलो सही करो। वाह, सफेद, बहुत बढ़िया मैंगो, तुमने सही किया। एनी, ये यात्रा तो बहुत ही कमाल की थी। हाँ बेन, ये बहुत मजेदार थी। E-I-E-I-O। बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में हमने सीखा कि पिग्स होते हैं गुलाबी, गाय होती हैं भूरी, भेड़ होती है सफेद और मुर्गियाँ होती है नारंगी। तो बूढ़े मैकडॉनल्ड्स के खेत में आप सबको मजा आया ना? ओह हाय मैंगो, कैसे हो तुम? क्या ये सब फल है? ओह देखो, यहाँ रंग भी है। ओह ये क्या है? पीला रंग। मैंगो, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? भूरी डंडी और हरी पत्ती। ये है एक मैंगो यानी आम। अरे ये तो तुम्हारा नाम है। पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैंगो, अब कौन सा फल आने वाला है? चलो देखते हैं। वाह, ये क्या है मैंगो? बताओ, ये लाल रंग का है और चमकदार भी। इसकी डंडी भूरी है और पत्तियां हरी। ओ मैं समझ गई, ये फल मुझे बहुत पसंद है। ये है एक सेब। ये मुझे सेब बहुत पसंद है। लाल लाल सेब। अब अगला फल कौन सा निकाले मैंगो? सोचो। वाह, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओह ये फल काफी बड़ा है, इसमें भरेंगे हरा रंग। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा फल है मैंगो। इस पर थोड़े हल्के हरे रंग की धारियाँ भी हैं। बहुत खूब मैंगो, अच्छा लग रहा है ना? ये देखने में तो बहुत रस भरा लग रहा है, मजेदार। क्या तुम्हें समझ आया ये कौन सा फल है? ये है एक, हाँ ये है एक तरबूज और ये अंदर से लाल होता है। वाह, और मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें भी पसंद है? ओह चलो देखते हैं अब कौन सा फल बाहर आता है। ये देखने में तो एकदम गोल है और इसका रंग नारंगी है। ओह मैं समझ गई ये क्या है, और इसमें भूरी डंडी भी है और पत्ती तो हरी ही होती है। इस फल में थोड़ी खटास भी होती है। ये है एक संतरा। सही पहचाना तुमने। वाह शाबाश। वाह, अब हमारे पास है आखिरी और खास फल। ये है बैंगनी। ओ मेरा पसंदीदा रंग। ये है हरी पत्ती और हरी डंडी वाला। अरे ये तो है एक अंगूरों का गुच्छा। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने सब सही पहचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी फलों में रंग भरने में मजा आया होगा। बाय। हाय एनी।
ओह, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। देखो कुछ फल, तरबूज, संतरा, कीवी, आम। वाह, मजेदार फल। रुको, ये क्या हो रहा है? तो ये इन फलों के सही रंग नहीं है। मुझे लगता है हमें ही इन्हें सही करना होगा। ये फल कितने अजीब लग रहे हैं। क्या तुम तैयार हो दोस्तों? चलो शुरू करें। लाल, कौन सा फल लाल होता है? हाँ, हमें पता है, ये अंदर से लाल होता है। तरबूज, ये हमने सही पहचाना। अब अगला रंग कौन सा है? नारंगी रंग। चलो देखते हैं क्या ये है। याद आया, ये हाँ, ये है संतरा, जो होता है नारंगी रंग का। अरे रुक क्यों गए? ओह, अब लेते हैं तीसरा रंग, हरा रंग। क्या ये हरा होगा या फिर ये? याद आया, हरा रंग जाएगा यहाँ। ये है कीवी। ये हमने फिर सही पहचाना। ये बहुत ही मजेदार है। चलो आगे बढ़े। पीला, कौन सा फल पीला होगा? क्या ये या फिर ये? ये तो जरूर आम ही होगा। टटरा, आम। आम तो एनी को बहुत पसंद है। यम्मी, तुम इस टोपी में बहुत अच्छी लग रही हो एनी। बाय। आज हम सीखेंगे रंगों के बारे में। देखो, ये है एक कलर बुक, यानी रंगों की किताब। तो चलो आओ, इसमें रंग भरते हैं। ओह, ये है एक बस। इस बस को सुंदर बनाने के लिए हम भरेंगे इसमें पीला रंग। ध्यान रखना मैंगो, रंग बस से बाहर ना निकले। रंग हो गया। ये है एक पीली बस। देखो, ये पीली बस कैसे सड़क पर तेजी से दौड़ रही है। बस में बैठकर हम स्कूल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ अगली गाड़ी कौन सी होगी। ये है एक कार, इसमें कौन सा रंग भरे? चलो इसमें भरते हैं लाल रंग। देखा, ये लाल रंग इस कार पे कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना? तो ये लो, हो गई हमारी लाल कार तैयार। तो कौन कौन करना चाहेगा इस लाल कार की सवारी? तो आओ, हम बैठेंगे इस लाल कार में और घूमेंगे पूरा शहर। चलो देखें इसके बाद क्या है। ये है एक हेलीकॉप्टर, और इस हेलीकॉप्टर में हम भरेंगे हरा रंग। रंग भरने के बाद ये बन जाएगा हरे रंग का हेलीकॉप्टर। थोड़ा ध्यान से रंग भरो मैंगो। अच्छा लग रहा है ना इस पर हरा रंग। हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊंचे आसमान में। जब करनी हो आसमान की सैर, तो बैठ जाना इस हरे हेलीकॉप्टर में। आओ देखें हेलीकॉप्टर के बाद हमें क्या मिलेगा। वाह, ये है एक सबमरीन, यानी पनडुब्बी। तो चलो इसमें हम भरे गुलाबी रंग। मुझे सबमरीन बहुत पसंद है। देखना, ये गुलाबी सबमरीन बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, हम इसकी खिड़कियां भी गुलाबी रंग की बनाएंगे। देखो, ये कितनी प्यारी लग रही है। ये लो, हो गई तैयार हमारी गुलाबी सबमरीन। सबमरीन चलती है गहरे समुद्र के अंदर, जहाँ रहती है बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ। तो आज हमने इन गाड़ियों पर रंग भर के सीखा रंगों के बारे में। हमने बनाई एक पीली बस, एक प्यारी सी लाल कार, एक हरा हेलीकॉप्टर और एक गुलाबी सबमरीन। उम्मीद है आपको भी रंग भरने में मजा आया होगा। अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो, इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया। बहुत अच्छे।
वाह, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढे। सोचो सोचो। नहीं ये नहीं है, नहीं नहीं ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ ये पीला रंग है। वाह तुमने ढूंढ लिया, चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ तुमने लाल रंग भी पहचान लिया, बहुत अच्छे। लाजवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ ये हरा रंग है, बहुत अच्छे। वाह बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ ये है नारंगी रंग। क्या बात है, वाह। चलो ढूंढे नीला रंग। देखो क्या ये नीला है? हाँ ये नीला है, तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। बेन जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश अक्षर यानी अल्फाबेट्स। सबसे पहले अल्फाबेट है ए। ए से होता है एलियन, जो रहता है अंतरिक्ष में। बी। बी से होती है बस, जिसमें बैठकर हम स्कूल जाते हैं। सी। सी से होती है कैट यानी बिल्ली। डी। डी से होता है ड्रैगन। क्या तुम ड्रैगन से डर गए बेन? से होता है एलिफेंट। एलिफेंट के होते हैं बड़े बड़े कान और लंबी सूंड। एफ। एफ से होता है फ्रैंकेनस्टाइन, हमारा हैलोवीन दोस्त। जी। जी से होता है गिटार। हाँ हमें पता है तुम्हें ये बजाना कितना पसंद है। कहाँ जा रहे हो बेन? वापस आओ, अभी अल्फाबेट्स पूरे नहीं हुए हैं। जी के बाद आता है एच। एच से होता है हरक्यूलीज, ये ग्रीक का हीरो था और पता है बेन ये सबसे ताकतवर था। आई। आई से होती है आइसक्रीम, गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। जे। जे से होता है जैकलोप, कितना प्यारा है ये। के। के से होता है कैंगरू यानी कंगारू, ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एल। एल से होता है लेफ्रकॉन, लगता है बेन भी लेफ्रकॉन से दोस्ती करना चाहता है। ओहो बेन फिर जा रहे हो, वापस आओ बेन, अल्फाबेट्स अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। एम। एम से होता है मम्मी, डरो मत बेन ये मम्मी भी हमारा दोस्त है। एन। एन से होती है नाइटिंगेल यानी बुलबुल, और इसकी आवाज बहुत ही मीठी होती है। ओ। ओ से होता है ऑरेंज यानी संतरा। पी। पी से होता है पांडा, पांडा को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है। क्यू। क्यू से होता है क्विल्ट यानी रजाई, सर्दियों में हम इसे ओढ़कर सोते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। अरे रुको बेन, अभी अल्फाबेट्स खत्म नहीं हुए हैं, चलो जल्दी वापस आओ। आर। आर से होता है राइनोसरस यानी गेंडा, जिसका एक ही सींग होता है। एस। एस से होती है स्क्विड, और स्क्विड रहती है समुद्र के अंदर। टी। टी से होता है टर्टल यानी कछुआ। यू। यू से होता है अम्ब्रेला यानी छाता, और ये हमें बचाता है धूप और बारिश से। वी। वी से होता है वैम्पायर, और ये हमारा दोस्त है।
और मुझे पता है अब तुम्हें फिर से बाहर घूम कर आना है। चलो वापस आओ बेन, अब हम आगे के अल्फाबेट्स पढ़ेंगे। W, W से होता है विच, और ये विच हमारी दोस्त कमिला है। X, X से होता है एक्समस ट्री, इसे हम क्रिसमस के समय पर सजाते हैं। Y, Y से होता है ये भी, और ये एक स्नो मॉन्स्टर है। Z, Z से होता है ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा के शरीर पर होती है काली सफेद धारियां। हाँ हाँ, जाओ बेन, अब मजे से बाहर खेलो। तो चलो, हमने जो सीखा उसे एक बार फिर दोहराएं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। उम्मीद है बेन के साथ आपको अल्फाबेट सीखने में मजा आया होगा। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती करना। गिनती करना मजेदार होता है। दो, छः, पाँच, तीन। और गिनती के लिए हमारे पास है बतके, कछुए, केकड़े और मछलियों के कार्ड्स। आओ इन नंबरों को इनके गिनती वाले कार्ड से मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं तीन से। नहीं नहीं, ये तो तीन नहीं है। चलो कुछ और सोचो। सही पहचाना, ये है तीन कछुए। एक, दो, तीन। तीन कछुए खुशी खुशी पानी में तैर रहे हैं। अगला नंबर है पाँच। नहीं नहीं, इन पे तो पाँच मछलियाँ नहीं है। फिर से कोशिश करो। चलो चलो आगे बढ़ो। नहीं, इस कार्ड में पाँच केकड़े नहीं है। ध्यान से देखो और गिनो। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, ये है पाँच नन्ही बतके। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच नन्ही बतखें तैर रही हैं और गा रही हैं। अगला नंबर है छः। नहीं, ये कार्ड सही नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, आपने ढूंढ लिया, ये छः मछलियाँ हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। देखो देखो, छः मछलियाँ कैसे पानी में नाच रही हैं। आखिरी नंबर है दो। ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही, दो केकड़े। एक, दो। ये दो केकड़े तो पानी में बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो आज हमने सीखी छः तक की गिनती। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः मछलियाँ। इसके बाद है नंबर पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच नन्ही बतखें। फिर नंबर तीन। एक, दो, तीन। तीन प्यारे कछुए। आखिरी नंबर है दो। एक, दो। दो शरारती केकड़े। तो आया ना मजा गिनती सीखने में। बाय बाय। आज हम सीखेंगे डायनासोर्स के बारे में। दोस्तों, ये है डायनासोर्स की दुनिया। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इस डायनासोर में भरेंगे हरा रंग। हाँ, अब पहचाना, ये है टीरेक्स। और ये सभी डायनासोर्स का राजा था। इसका पूरा नाम है टायरेनोसॉरस रेक्स। अगला डायनासोर कौन सा है? क्या आपने पहचाना इस डायनासोर को? नहीं, तो चलो पहले इसमें रंग भरे और फिर देखें ये कौन सा डायनासोर है। ये तो स्टेगोसॉरस है। इनकी पीठ पर 3 फुट लंबी बड़ी बड़ी पैनी और नुकीली प्लेटों की तरह सुरक्षा कवच होते थे। आओ अब चले और देखें अगला डायनासोर कौन सा है। क्या इस पेड़ पे बैठे हुए डायनासोर को पहचाना? चलो पहले इसमें भरते हैं गुलाबी रंग और फिर पहचानेंगे ये कौन सा डायनासोर है। ये है टेरोडैक्टिल।
ये मांसाहारी होते थे और अपने पंखों की मदद से आसमान में उड़ते थे। ओह, ये डायनासोर तो बहुत ही लंबा है। क्या आपने पहचाना ये कौन सा डायनासोर है? लेकिन उससे पहले हम इसमें भूरा रंग भरेंगे। ये है भूरा ब्रोंटोसॉरस और इसे अपैटोसॉरस भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 75 फुट होती थी और इसका वजन लगभग 22,000 किलो होता था। दी एंड। आज हमने जाना डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों के बारे में, जैसे टीरेक्स, एक स्टेगोसॉरस, एक टेरोडैक्टिल और एक ब्रोंटोसॉरस के बारे में। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हाय मैंगो, कैसे हो तुम? आज हम क्या करने वाले हैं? ओह, ये तो एक ब्लैक बोर्ड है। क्या कोई बता सकता है आज मैंगो हमें क्या सिखाने वाला है? ओह, ये तो एक आकार है। क्या तुम बता सकते हो ये क्या है? क्या किसी ने पहचाना इसे? कोशिश करके देखो। हाँ, सही पहचाना, ये एक आयताकार है। बहुत अच्छे। ओह, तुम इसमें कौन सा रंग भर रहे हो मैंगो? ये कौन सा रंग है, कोई बता सकता है? ये बहुत ही खिला हुआ और सुंदर रंग है। सही कहा, ये गुलाबी रंग है, बिल्कुल इन लॉलीपॉप्स की तरह। मैंगो, अब तुम क्या ड्राइंग बना रहे हो? ओह, ये तो एक और आकार है। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा आकार है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। बिल्कुल सही कहा, ये एक सर्कल यानी गोलाकार है। ओह, और ये है एक प्यारा सा हल्का रंग। क्या मैंगो तुम बता सकते हो ये कौन सा रंग है? बिल्कुल सही पहचाना, ये है पीला रंग, बिल्कुल सूरज की तरह। वाह। अब इसके बाद तुम कौन सा आकार बनाने वाले हो मैंगो? ओह, ये तो बहुत ही मजेदार है। इसके चारों किनारे एक समान है। पहचानो ये कौन सा आकार है? सही पहचाना, ये एक स्क्वायर यानी वर्गाकार है। बहुत ही बढ़िया, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये कौन सा रंग है? क्या ये गुलाबी रंग है? नहीं, तो ये कौन सा रंग है? हरा रंग। शाबाश, हरा जैसे ब्रोकली। ओह, मुझे ब्रोकली बहुत पसंद है। तुम बहुत खुश लग रहे हो मैंगो, क्या सोच रहे हो? अरे वाह, सुनो मैंगो, हम इन आकारों से एक बस बना सकते हैं। वाह, देखो, गोलाकार पहिए, आयताकार बॉडी और खिड़कियों के लिए वर्गाकार है। बहुत ही अच्छे, शाबाश। बाय बाय मैंगो। हेलो मैंगो। अरे ये क्या है, आइसक्रीम? ओह, देखो, इसकी दो आंखें हैं, एक जीभ, मूछें और दो छोटे छोटे कान भी हैं। ये किस जानवर का चेहरा है? सही पहचाना, ये एक बिल्ली है। तुम कहाँ जा रहे हो मैंगो? ओह, एक और है। ओह, ये किसका चेहरा है? इसके गोल गोल कान हैं। सुनो मैंगो, ये कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिख रहा है। कहीं ये बंदर। हाँ, ये एक बंदर ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंगो। क्या हम एक और चेहरा देखने जा रहे हैं? ओह, काला और सफेद, इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है? हाँ, मुझे पता है, ये एक पांडा है। ये आओ देखें आगे क्या है। ओह, ये तो नारंगी रंग का है, बड़ी बड़ी मूंछें, काली धारियां। ये कौन हो सकता है मैंगो? हाँ, ये एक शेर है। बहुत अच्छे, ये तो मजेदार है। ये वाला भूरे रंग का है। ओह, मुझे पता है ये कौन सा जानवर है। हाँ, ये एक भालू है। जानवरों का चेहरा पहचानने में मजा आया ना मैंगो? बाय। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी में गिनती करना। गिनती करना मजेदार होता है। दो, छः, पाँच, तीन। और गिनती के लिए हमारे पास है बतखें, कछुए,
केकड़े और मछलियों के कार्ड्स। आओ इन नंबरों को इनके गिनती वाले कार्ड से मिलाएं। तो शुरुआत करते हैं 3 से। नहीं नहीं, ये तो 3 नहीं है। चलो कुछ और सोचो। सही पहचाना, ये है 3 कछुए। 1, 2, 3। 3 कछुए खुशी खुशी पानी में तैर रहे हैं। अगला नंबर है 5। नहीं नहीं, इन पे तो 5 मछलियाँ नहीं है। फिर से कोशिश करो। चलो चलो आगे बढ़ो। नहीं, इस कार्ड में 5 केकड़े नहीं है। ध्यान से देखो और गिनो। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, ये है 5 नन्ही बतके। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नन्ही बतके तैर रही हैं और गा रही हैं। अगला नंबर है 6। नहीं, ये कार्ड सही नहीं है। चलो फिर से कोशिश करो। हाँ, आपने ढूंढ लिया, ये 6 मछलियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो देखो, 6 मछलियां कैसे पानी में नाच रही हैं। आखिरी नंबर है 2। ये बहुत आसान है। बिल्कुल सही, 2 केकड़े। 1, 2। ये 2 केकड़े तो पानी में बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो आज हमने सीखी 6 तक की गिनती। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मछलियाँ। इसके बाद है नंबर 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 नन्ही बतखें। फिर नंबर 3। 1, 2, 3। 3 प्यारे कछुए। आखिरी नंबर है 2। 1, 2। 2 शरारती केकड़े। तो आया ना मजा गिनती सीखने में। बाय बाय। ओ हाय मैंगो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या वॉक के लिए निकले हो? क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा घर है? क्या इसमें कोई कमी है? शेप्स यानी आकार। आज हम आकारों के साथ घर बनाएंगे। सर्कल यानी गोलाकार। पर ये गोलाकार कहाँ जाएगा? ऊपर वाली खिड़की पर। बहुत अच्छे। रेक्टेंगल यानी आयताकार। ये शायद घर के दरवाजे और खिड़कियाँ। ओ, और चिमनी है। स्क्वायर यानी वर्गाकार। ये घर का आकार है। ट्रायंगल यानी त्रिकोण। ये तो घर की छत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टार यानी सितारा। ये जाएगा घर के ऊपर, जैसे क्रिसमस ट्री पर होता है। वाह, तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा मैंगो। चलो आओ अब रंगों को देखें। नारंगी रंग दरवाजे और खिड़कियों के लिए। लाल, लाल रंग है छत के लिए। पीला, पीली दीवार। नीला, नीली ऊपर वाली गोलाकार खिड़की। गुलाबी, आखिर में एक सुंदर गुलाबी सितारा। बहुत अच्छे, ये घर शानदार लग रहा है ना दोस्तों? फिर मिलेंगे। बाय। कीटाणुओं से सुरक्षित रहें। एनी और बेन। कीटाणु हमें बीमार करते हैं। कीटाणुओं से सुरक्षित रहना अच्छी बात है। एनी को सुरक्षित रहना पसंद है, इसीलिए वो कीटाणुओं से बचने के लिए मास्क लगाती है। एनी के दोस्त भी सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। वो सभी खेलते वक्त मास्क पहनते हैं। एनी घर पर रहती है। एनी के घर में कीटाणु नहीं है। अपने घर में एनी सुरक्षित होकर खेलती है। एनी मैंगो के साथ मिलकर पेंटिंग करती है। इन्हें घर में पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मैंगो घर में कार्ड्स के साथ खेलता है। एनी घर में अपनी गुड़िया के साथ खेलती है। एनी अपने दोस्तों को बहुत याद करती है, लेकिन गुड़िया भी तो दोस्त होती है। एनी घर में अपने हाथ अच्छी तरह धोती है, क्योंकि उसे साफ रहना पसंद है।
हाथ धोने से कीटाणु से दूर रहते हैं। एनी कीटाणुओं से सुरक्षित रहने के लिए हाथ धोती है। इस तरह एनी कीटाणुओं को दूर भगाती है और उसे सुरक्षित तरीके से खेलना अच्छा लगता है। ओह, हाय मैंगो, तुम इस नाव में कहाँ जा रहे हो? रुको, ये क्या है? ये तो खजाने का नक्शा है। ओह, मुझे खजाना बहुत पसंद है। देखो, तुम्हें खजाने तक पहुँचने के लिए पहले नक्शे तक पहुँचना होगा। बहुत अच्छे मैंगो, तुम खजाने के नक्शे तक पहुँच गए। तो अब तुम्हें खजाने के बक्से तक पहुँचना है। इसके लिए तुम्हें नक्शे के मुताबिक चलना होगा, तभी तुम खजाने तक पहुँच पाओगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, बस पहुँचने ही वाले हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और। देखो, तुमने खजाना ढूंढ लिया। बहुत अच्छे मैंगो, ये है खजाने का बक्सा। वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अब हमें इस बक्से को नाव पर ले जाना होगा। और तुमने नाव पर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। शाबाश, बाय। अब तुम्हें अगले एडवेंचर पर मिलेंगे मैंगो। क्यों दोस्तों, खजाना ढूंढने में आपको भी मजा आया ना? बाय। टब में स्क्रब करें। एनी और बेन। एनी करना चाहती है स्क्रब। अभी टब में बस एक ही जना है। बेन भी करना चाहता है स्क्रब। बेन ने लगा दी टब में छलांग। अब स्क्रब करने के लिए दो जने हो गए। अब टब में दो जने हैं। मैंगो भी करना चाहता है स्क्रब। मैंगो ने भी लगा दी टब में छलांग। अब स्क्रब करने के लिए तीन जने हो गए। अब टब में तीन जने हैं। स्क्रब स्क्रब स्क्रब। चलो अब टब से बाहर आ जाओ। हेलो मैंगो, जरा ध्यान से चलो। ओह, कोई बात नहीं। अरे मैंगो, ये तुम कहाँ आ गए? ओह, ये एक फैक्ट्री लग रही है जहाँ कुछ बन रहा है। ये क्या है? जरा संभल कर। वहीं रुक जाओ मैंगो, यहाँ तो कुछ अजीब ही काम हो रहा है। ओह, वाह, देखो मैंगो, ये आया पेंट। अरे वाह, तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? पीला। हाँ बिल्कुल सही, पर क्या तुम जानते हो ये क्या है? ओ मैंगो, जरा संभल कर, आगे देखो। ओ, बतख। हाँ ये एक बतख है। बहुत अच्छे। कुछ और भी आ रहा है मैंगो, आओ देखें। चलो। ओ, बहुत अच्छे। मैं जानना चाहती हूँ कि इससे क्या बनने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैंगो? आओ चलो देखते हैं। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। अब पेंट करेंगे। तुम्हें पता है ये कौन सा रंग है? हरा। बिल्कुल सही, ये हरा रंग है। ये खिलौना देखने में किसके जैसा है मैंगो? ओह, चलो जल्दी करो, इस रस्सी पर चढ़ जाओ। मेंढक। हाँ सही पहचाना, ये है मेंढक। मेंढक हरे होते हैं। ओह, तुम क्या अगले खिलौने का इंतजार कर रहे हो? ओह, तुम्हें ये देखने में बहुत मजा आ रहा है ना मैंगो? जरा संभल कर। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, मुझे जानना है अब कौन सा खिलौना बनेगा। तुम्हें भी जानना है ना? ओह, इसमें कौन सा रंग भर रहे हैं? ये तो बहुत ही सुंदर रंग है, नारंगी। हाँ ये है नारंगी रंग। ओह मैंगो, तुमने तो ये खिलौना अपने हाथों में उठा लिया, लगता है तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा। पर ये क्या है? मछली। बिल्कुल सही, ये है एक मछली। तो अब तुम्हारे पास पूल में तीन खिलौने हैं। ये सभी खिलौने कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा फिर मिलेंगे,
बाय। हाय एनी, तुम कहाँ जा रही हो? ये तो कुछ कार्ड्स हैं। चार कार्ड्स। इनकी दूसरी तरफ क्या है? ओह, क्या देखा तुमने? ये तो पंजा है। एक और पंजा और एक पूंछ, कुछ बाल और एक चेहरा। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। इन कार्ड्स को एक साथ जोड़ते हैं। हाँ, ये एक शेर है और ये करता है रोर। बहुत अच्छे, चलो फिर से करते हैं, फिर से। अब पता नहीं क्या आने वाला है, देखते हैं। क्या है ये? एक कान, एक और कान। ओह, एक बड़ा सा पैर, एक और बड़ा पैर। इन कार्ड्स को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो एक हाथी है। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और ये आया चौथा कार्ड। पता नहीं अब क्या आने वाला है। ओ, ये क्या है? ये तो एक पूंछ है और ये चेहरा है, काफी नोकदार है। ओ, मैं समझ गई ये क्या है। क्या तुम्हें समझ आया ये क्या है? सही कहा, ये है एक मगरमच्छ। तो आज हमने पहचाना एक मगरमच्छ को, एक शेर को और एक हाथी को। और पता है दोस्तों, ये तीनों हैं जंगली जानवर। बाय। हाय मैंगो, क्या ये तुम्हारे हाथ में नंबर्स हैं? अच्छा, तो आज हम पजल से नंबर्स सीखेंगे। चलो गिनते हैं। नंबर एक। वाह, बढ़िया फिट हुआ है। नंबर दो। हाँ, ये भी हो गया फिट। तीन। इसके बाद क्या आता है? सही कहा, ये चार है। बहुत अच्छे। और अब आता है पांच। क्या बात है, पांच के बाद क्या आता है? सही पहचाना, ये है छह। वाहू, सात। ये तो एनी का पसंदीदा नंबर है। ये देखो, सबके आकार कितने अलग हैं। आठ। मैंने आठ स्लाइस वाला पिज्जा खाया था, ये पिज्जा जैसा ही लग रहा है ना? और ये आया नौ। और ये भी हो गया फिट। और एक आखिरी नंबर, दस। वाह दोस्तों, आपने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, क्या आप जानते हो, एक वायरस जो चीन से आया था, अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि इस वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के तरीके बहुत ही आसान है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर को साफ रखें, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। नंबर एक, अगर किसी को सर्दी खांसी या बुखार हो तो उनसे दूरी बनाकर रखें और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की सलाह दें, क्योंकि यही अच्छे दोस्तों का फर्ज है। नंबर दो, जब आप स्कूल से घर आए या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आए तो अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, क्योंकि साफ हाथ आपको रखे सेहतमंद। नंबर तीन, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लें, क्योंकि साफ और अच्छा खाना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर चार, बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाएं और अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि इससे गंदे जर्म्स हमारे शरीर में नहीं घुस पाते। नंबर पाँच, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी छींक या खांसी आए तो हमें अपना मुंह और नाक रुमाल या पेपर नैपकिन से ढकना चाहिए और कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, और इस्तेमाल के बाद अपने नैपकिन को कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। नंबर छह, जहाँ तक हो अपने घर में ही समय बिताएं, ताकि गंदे जर्म्स आपके घर में ना घुस पाएं। घर के अंदर ही आप कहीं मजेदार खेल खेल सकते हैं, अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या ड्राइंग और पेंटिंग करें। क्या पता आप अपने अंदर के छिपे हुनर को पहचान लें। ये लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है, और ये हम कैसे करेंगे? ताजे और सेहतमंद फल और सब्जियां खाकर, रोजाना एक्सरसाइज करके और साथ ही समय पर सोने से। इस तरह हम तैयार होंगे बीमारी वाले गंदे जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए।
इसलिए अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम सब रहें फिट और बीमारियों से दूर। ये! आपका दिन अच्छा रहे। एक, दो, तीन, चार। अरे ये कौन है? एक वैम्पायर। अब कौन आएगा? दो मम्मीज। देखें अब कौन आता है? तीन विचेस। अब किसकी बारी है? चार मॉन्स्टर्स। पांच, छह, सात, आठ। देखते हैं अब क्या आएगा। पांच ड्रैगन्स। अब कौन आने वाला है? छह ब्लैक कैट्स। और अब किसकी बारी है? सात स्केलेटन्स। इस बार कौन आएगा? आठ बैट्स। नौ, दस। देखिए कौन आता है? नौ स्पाइडर्स। और अब किसकी बारी है? ये है दस गोस्ट्स। आज हमने सीखे नंबर्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। जानते हैं, सर्दियों में बर्फ का स्नोमैन बनाने में बड़ा मजा आता है। तो आओ सबसे पहले ढूंढे स्नोमैन की हैट यानी टोपी। क्या आप बता सकते हो स्नोमैन की टोपी कौन सी है? नहीं, ये टोपी नहीं है। दूसरी देखते हैं। हाँ, ये लाल टोपी है स्नोमैन की। चलो अब ढूंढे स्नोमैन की आंखें। सोचो और बताओ कौन सी आंखें स्नोमैन की है? नहीं, ये आंखें तो डरावनी है। हाँ, ये काली काली गोल गोल आंखें हैं स्नोमैन की। अब हम लगाएंगे स्नोमैन की नाक। लेकिन कौन सी नाक है स्नोमैन की? सोचो सोचो। अरे वाह, बहुत अच्छे, ये गाजर ही है स्नोमैन की नाक। अब ध्यान से देखो और बताओ कि स्नोमैन का मुंह कौन सा है? नहीं नहीं, स्नोमैन अपने दांतों से डराता नहीं है। हाँ, ये प्यारी सी स्माइल वाला है स्नोमैन का मुंह। तो अब बताइए स्नोमैन को क्या पहनना चाहिए जो उस पर अच्छा लगे? बताइए बताइए। हाँ, ये मफलर स्नोमैन पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लगाएंगे स्नोमैन के हाथ। ध्यान से देखो और बताओ कि इनमें से कौन से हाथ स्नोमैन के हैं? अरे नहीं, इतने बड़े हाथ स्नोमैन के नहीं हो सकते। हाँ, ये प्यारे से छोटे हाथ इस पर अच्छे लग रहे हैं। ये लो बन गया हमारा स्नोमैन। आप सबको हमारी ओर से मैरी क्रिसमस। आज हमने सीखा कि चीजों के सही इस्तेमाल से स्नोमैन कैसे बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अरे नहीं, इस खरगोश के कान खो गए हैं। क्या आप इसके कान ढूंढने में मदद करेंगे? मुझे नहीं लगता ये कान खरगोश के हैं। नहीं नहीं, ये वाले कान भी खरगोश के नहीं लगते। क्यों ना हम बीच वाले कान लगा कर देखें? हाँ, आपने सही कान ढूंढ ही लिए। ये खरगोश तो खुश हो गई। वाह, जरा इस खरगोश के करतब तो देखो, कितने मजेदार हैं। ये है मिस्टर रकून और ये बहुत उदास हैं क्योंकि इनकी पूंछ नहीं मिल रही। आपको क्या लगता है, क्या ये है इनकी पूंछ? नहीं नहीं, ये हरी पूंछ इनकी नहीं लगती। हाँ, ये है मिस्टर रकून की पूंछ। आपने ढूंढ लिया। देखो अब मिस्टर रकून कितने खुश लग रहे हैं अपनी पूंछ को देखकर। अब आप खुशी खुशी अपने घर जाइए मिस्टर रकून। बाय बाय। ओहो, ये तो मिस्टर कछुआ है। इनका शेल यानी कवच खो गया है, इसलिए गुस्से में है। नहीं, ये शेल नहीं, टी शर्ट है।
मुझे लगता है ये शेल तो एक स्नेल है। चलो आखिरी वाला देखते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, यही है मिस्टर कछुए का शेल। देखो अब मिस्टर कछुआ कितने खुश लग रहे हैं। जाइए मिस्टर कछुआ और पानी में तैरिए। तो आज हमने मदद की एक खरगोश की उसके कान ढूंढने में, एक उदास मिस्टर रकून की उसकी पूंछ ढूंढने में, और गुस्से में बैठे मिस्टर कछुए की मदद उनका शेल यानी कवच ढूंढने में। उम्मीद है आपको इनकी मदद करके मजा आया होगा। आज हमने एनी और बेंट की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।